कोऑर्डिनेशन बैठक में जा रहे हैं, पहली मीटिंग है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो वहाँ कल शाम में होगा, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। जो भी बात होगी उस पर हम लोग अपनी बात को, अपने राय को समक्ष रखेंगे। उसे तो पहले भी हुआ ही था ना, एक बार किया, दो बार किया, चार्जशीट किया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया, तो उसमें अंतर क्या है, अंतर क्या है? बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, जो इंडिया गठबंधन बना है, और उसी इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव जो हैं उनको भी जिम्मेदारी मिली है। सीटों के बंटवारे से लेकर किस तरीके से आने वाले वक्त में जो लोग हैं आपस में कोऑर्डिनेट करके और चुनाव लड़ेंगे, इसी को लेकर कल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो है वो बैठक करेंगे शरद पवार के घर पर। उससे पहले आज तेजस्वी यादव जब पटना से दिल्ली जा रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, उस कमेटी की बैठक में शिरकत करने के लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है, लालू प्रसाद यादव को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि फिर से गृह विभाग के तरफ से उनको जो है अनुमति मिल गई है, और उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से सप्लीमेंट्री में नाम आया है, तो जिसका चार्जशीट में भी नाम रहता है उसका भी सप्लीमेंट्री में नाम आता है, ये तो पहली बार हुआ है, लेकिन जो भी जवाब देना होगा हम लोग कोर्ट में देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूरे बयान को सुनिए। कोऑर्डिनेशन बैठक में जा रहे हैं, पहली मीटिंग है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो वहाँ कल शाम में होगा, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। जो भी बात होगी उस पर हम लोग अपनी बात को, अपने राय को समक्ष रखेंगे। क्या चीज जॉब मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल गई है लालू यादव पर, जो फिर से कार्रवाई करने के लिए क्या हुआ? उसे तो पहले भी हुआ ही था ना, एक बार किया, दो बार किया, चार्जशीट किया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया, तो उसमें अंतर क्या है, अंतर क्या है आप ही बताइए ना। चार्जशीट और फिर से अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया है तो उसमें कोई अंतर तो है नहीं, और ऐसा तो पहली बार हुआ है कि जिसका नाम चार्जशीट में है उसका भी नाम जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट में है, ये तो बेकार की बात है। सब कोर्ट में हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। भाजपा बड़ी कोऑर्डिनेशन बैठक में जा रहे हैं, पहली मीटिंग है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो वहाँ कल शाम में होगा, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। जो भी बात होगी उस पर हम लोग अपनी बात को, अपने राय को समक्ष रखेंगे। क्या चीज जॉब मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल गई है लालू यादव पर, जो फिर से कार्रवाई करने के लिए क्या हुआ? उसे तो पहले भी हुआ ही था ना, एक बार किया, दो बार किया, चार्जशीट किया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया, तो उसमें अंतर क्या है, अंतर क्या है आप ही बताइए ना। चार्जशीट और फिर से अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया है तो उसमें कोई अंतर तो है नहीं, और ऐसा तो पहली बार हुआ है कि जिसका नाम चार्जशीट में है उसका भी नाम जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट में है, ये तो बेकार की बात है। सब कोर्ट में हम लोग अपना पक्ष रखेंगे।